और लाइट कमांडोज की टीम्स को वापस ले जाएगा। अभी आप अपने सामने पाकिस्तान मैरीन्स का टाइप 8100 टीडी होवरक्राफ्ट कमांडोज की एक्सट्रैक्शन टीम के लिए आगे साहिल की जानेब बढ़ता देख रहे हैं। इस होवरक्राफ्ट की क्यादत लेफ्टिनेंट आर्मिश कर रहे हैं। मैं आप सबको बताता चलूं कि पाक बहरिया में इन क्राफ्ट की शमूलियत 2014 में की गई। इस होवरक्राफ्ट का ताल्लुक पाकिस्तान मैरीन्स के होवरक्राफ्ट एचसी स्क्वाड्रन से है, जिनका नारा है नो बीच विदाउट रीच। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 का आज तीसरा रोज़ है और तीनों मुसलह अफवाज के जवान सी व्यू पर इस ट्राई सर्विस शो में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। पाक फ़ौज फ़ज़ाइया बहरिया के कमांडोज इसमें शामिल हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर जरगमालियों की रिहाई के हवाले से जो कमांडो ऑपरेशन है उसका अमली मुजाहरा किया है। F-16, JF-17, Thunder and Super Mashaq aircraft will perform solo aerobatics, whereas the famous Sherdil team of Asghar Khan Academy will display formation aerobatics. Zadbal ke shahinam va karam be zameen chiz sehrast ke daryas तहे बालो परे मास्त। खवातीन हजरात निगाह मरकूज रखिए वेन्यू के बाएं जानेब के पाक फिजाइया का सरमाया इफ्तिखार सफ़े अव्वल का जदीद तरीन F-16 तैयारा किसी भी वक्त उफक पर नमोदार हुआ चाहता है। और वो खवातीन हजरात बाएं जानेब निगाह उठाइए फजा में सफेद रंग बिखेरता हुआ पाक फिजाइया का F-16 तैयारा वेन्यू की जानेब आपकी भरपूर तालियों में परवाज करते हुए। Wing Commander Zishan Ali Munawar, Samurai Battalion of Number 19 Squadron. आज के इस F-16 तैयारे का ताल्लुक पाक फिजाइया के 19 स्क्वाड्रन से है और इसे विंग कमांडर जिशान अली मुनव्वर उड़ा रहे हैं। और अब वेन्यू की दाएं जानेब से आते हुए आपके सामने स्प्लिट एस मनूवर का मुजाहरा पेश किया जाएगा। दाएं जानेब को मुड़ते हुए अब आपके सामने फजा में विंग कमांडर मुनव्वर बुलंद हो रहे हैं स्प्लिट एस मनूवर के लिए। ये आपके सामने खवातीन हजरात स्प्लिट एस मनूवर का खूबसूरत मुजाहरा और अब वेन्यू के बाएं जानेब से आते हुए विंग कमांडर मुनव्वर मैक्सिमम रेट टर्न परफॉर्मेंस का मुजाहरा पेश करेंगे। ये खवातीन हजरात आपके एन सामने मैक्सिमम रेट टर्न परफॉर्मेंस F-16 की इंतहाई मुख्तसर से दायरे में वेन्यू के सामने चक्कर लगाते हुए। Number 19 Multi-Role Squadron is a group of one of the most professional and elite fighter pilots and airmen of Pakistan Air Force. The squadron was raised on 1st February 1958. It's station. तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तजा सोज सिद्दीक दे। वलवले और जोश के साथ अपने तैयारे को फजा में घुमाते हुए विंग कमांडर ज़िशान अली मुनव्वर अब वेन्यू की दाएं जानिब से आते हुए आपके सामने लो लेवल लूप का मुजाहरा पेश करेंगे जिसमें तैयारा फजा में एक दायरे की शक्ल बनाएगा। और यह खवातीन हज़रात आपके सामने फजा में बुलंद होते हुए
پاک فضائیہ کا 16 طیارہ لوپ کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے. In 1962, number 19 Air Superiority Squadron became the first jet fighter squadron in East Pakistan. The squadron also performed first jet aerobatics display in Dhaka on 23rd March 1963. لوپ کے مظاہرے کے بعد آپ کیوبنیٹ کا مظاہرہ دیکھیں گے جس میں طیارہ فضا میں آٹھ کے ہندسے کی شکل بنائے گا. ہم آسمان پاک کے شاہین و شاہ پر رکھتے نہیں کسی سے کوئی دشمنی، اگر آمادہ فساد جو ہو جائے اہل شر، پھر ہم قسم خدا کی مجسم عطاب ہے، ایک قہر ہے، بلا ہے، غضب ہے، عذاب ہے. خواتین و حضرات، آپ کے سامنے ونگ کمانڈر منور کیوبنیٹ کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے. ٹرائی سروسز شو آپ سی ویو کراچی سے براہ راست دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر وقفہ، اس کو بعد میں ملاحظہ کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. This time check is brought to you by Zong. Dream a new dream on Pakistan's number one data network. Zong 4G, a new dream. Time check was brought to you by Zong. Dream a new dream on Pakistan's number one data network. Zong 4G, a new dream. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں مناظر حسین. وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کا اجلاس. ٹیکس پالیسی کو